क्या अब हम इंसान भी नहीं रहे? हे दोस्तों, तो मार्केट में एक नई सीरीज घूम रही है, द इम्परफेक्ट सीरीज, को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और इसको हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। तो क्या इस सीरीज पर आपको अपना कीमती टाइम देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो यही सारी बात करते हैं। तो थोड़ी सी कहानी की बात करते हैं बिना स्पॉइल किए। तो इम्परफेक्ट्स में तीन लोगों की स्टोरी देखने को मिलती है, एबी, जुआन और टिल्डा की। यानी आर्कव नाम का बंदा इन पर एक्सपेरिमेंट करता है, यानी कि ये एक जानवर मॉन्स्टर बन जाते हैं और कुछ गोलियां खाते हैं जिनकी वजह से ये नॉर्मल इंसान बने रहते हैं। बट अब जो आर्कव नाम का साइंसदान है वो गायब हो चुका है, तो ये तीनों उसको ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तो इसके बीच में उनको क्या खतरा आता है, तो यही सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। यार मैंने या किसी ने भी इस सीरीज का ट्रेलर देखा होगा ना, तो उसने एक चीज तो सोची होगी कि भाई मॉन्स्टर नजर आ रहे हैं इसमें, काफी भर भर के हमें एक्शन देखने को मिलेगा। बट एकदम बात अलग है, इस सीरीज में आपको बिल्कुल भी एक्शन नहीं देखने को मिलता। इस सीरीज में सिंपल आपको स्टोरी देखने को मिलती है, यानी कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल नहीं है। इसमें काफ़ी आपको टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो इस वजह से जो सीरीज़ है आपको जोड़ के रखती है, यानी कि इस सीरीज़ के टोटल आपको 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं जिनकी लेंथ 40 से 45 मिनट के दरमियान है। तो जो सीरीज़ है ना, जो इसकी लेंथ है, ये काफ़ी लग सकता है कि स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा खींचा जा रहा है। यानी कि मुझे लगता है कि अगर इसके 2-3 एपिसोड कम होते तो यार बात ही एकदम अलग होनी थी। लेकिन इस तरह की साइंस फिक्शन सीरीज़ से, यानी कि कैटेगरी में भी इन्होंने एक्शन लिखा हुआ है, तो इस सीरीज़ में कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिलता, तो ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। इसके बाद कैरेक्टर डेवलपमेंट भी थोड़ी सी कम है, बाकी जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस है वो काफी जबरदस्त है। तो इसलिए आपको यही कहूंगा कि अगर आप एक सिंपल स्टोरी देख सकते हैं तो आप इस सीरीज को चेक कर सकते हैं, या सीरीज के शुरू के 2-3 एपिसोड देखिए, तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इस सीरीज पर अपना टाइम दे सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मुझे इस सीरीज को रेटिंग देनी हो 10 में से, तो 7 रेटिंग दूंगा। तो मेरा जो अगला रिव्यू है भाई साहब, वो आने वाला है कोबरा काई सीरीज पर, तो इसलिए यार वीडियो को मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं मूवीज या वेब सीरीज से मुतल्लिक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।